हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन नाम के चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैग्निफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। और इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आप सुने हैं ना, अंत भला तो सब भला, अगर अंत भला हो तो सब कुछ भला होता है। इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आवर्धन की परिभाषा को लिख दी हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब हम आवर्धन को समझते हैं। आवर्धन हमें ये बताता है कि जो वस्तु का दर्पण पर प्रतिबिंब बना है, वो प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है, या फिर वस्तु से कितना गुना छोटा है, या वस्तु से कितना गुना दूर है, या फिर वस्तु से कितना गुना नज़दीक है, ये हमें आवर्धन बताता है। और हमें पता किस तरह चलता है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आवर्धन को समझ लेते हैं और आवर्धन की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो मैं लिखी हूँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। और इसको स्मॉल m से क्यों सूचित किया जाता है, क्योंकि आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, m, इसीलिए इसको स्मॉल m से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब इस डिफिनेशन का क्या मतलब हुआ, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर बनाएंगे अवतल दर्पण समझने के लिए, ठीक है। ये हो गया ध्रुव उसका, ये हो गया उसका केंद्र, ये हो गया फोकस बिंदु, और यहाँ पर हम वस्तु को रख देते हैं सीधा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब बनाइए वस्तु का, फर्स्ट किरण ये जाएगी इस तरह फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी किरण इस तरह जाएगी, टकरा कर वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, और यहाँ पर बन जाएगा इस वस्तु का, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। इस वस्तु की ऊंचाई मान लीजिए h, और इस प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए h डैश। मैं h इसलिए मान रही हूँ क्योंकि h फॉर हाइट होता है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, इसीलिए हाइट आप भी h ही मानिएगा। तो एच डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई। मैं लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि एच डैश बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो एच डैश बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच बराबर वस्तु की ऊंचाई। यहाँ तक क्लियर है। एच डैश को हम क्या माने हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये रहा प्रतिबिंब, इसकी ऊंचाई को हम एच डैश माने हैं, और इस वस्तु की ऊंचाई को हम क्या माने हैं, एच माने हैं। बोल रहा है परिभाषा में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, इस वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात मतलब क्या होता है, भाग। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। अनुपात मतलब होता है भाग, यानी कि जब आप प्रतिबिंब की ऊंचाई में, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भाग देंगे, तो जो मान निकल कर आएगा उसे कहते हैं हम आवर्धन। तो आवर्धन का सूत्र होता है m इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यहाँ तक क्लियर है। अब हम ये समझते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वो किस तरह पता चलता है कि वस्तु से कितना गुना बड़ा है या फिर वस्तु से कितना गुना छोटा है, तो इसको भी समझ लेते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए, हम प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश माने हैं, तो h डैश हम इस प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और ये नीचे की तरफ है तो -4 सेंटीमीटर रखेंगे। -4 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि इस मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ है। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको मैं बहुत ही अच्छे से इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुकी हूँ कि क्यों माइनस लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, आई बटन में लिंक आ रहा है ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं। तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई -4 सेंटीमीटर हो गया, वस्तु की ऊंचाई h मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि जो प्रतिबिंब बना है ये इस वस्तु से कितना गुना बड़ा या फिर छोटा बना है, यही ना पता लगाना है। तो हम इस आवर्धन के सूत्र का मदद लेंगे। तो m इक्वल्स टू क्या, m बराबर क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, h डैश,
और बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई हम क्या लिखे हैं, h, और मान कितना लिया है, -4 सेंटीमीटर, ये हो गया। और वस्तु की ऊंचाई हम क्या लिए हैं, 8 सेंटीमीटर। जब इसको हम हल करेंगे तो -1/2 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से आधा बना है, हाफ बना है, और वो नीचे की तरफ उल्टा बना है। ये माइनस चिन्ह हमें वही बताता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो नीचे की तरफ उल्टा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आवर्धन का एक और डिफिनेशन और सूत्र होता है, उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि वस्तु कितना गुना दूर बना है वस्तु से, प्रतिबिंब कितना गुना दूर बना है वस्तु से और कितना गुना नजदीक बना है। ठीक है, हम उसको समझते हैं मिटाकर। तो मैं यहाँ पर आपका बिना टाइम वेस्ट किए आवर्धन की दूसरी परिभाषा को लिख दी हूँ। ठीक है, परिभाषा है, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के ऋणात्मक मान के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जहाँ ये m/v/u, माइनस का v/u। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u है वस्तु दूरी, और इन दोनों के ऋणात्मक मान के अनुपात को, इस ऋणात्मक मान के अनुपात यानी कि भाग को हम क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं फिगर बनाकर, यहाँ पर अवतल दर्पण बनाएंगे समझने के लिए। ठीक है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया केंद्र, ये फोकस बिंदु हो गया, और यहाँ पर वस्तु को रख दीजिए। ठीक है, अगर इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो कहाँ बनेगा, ये हो गया इसका प्रतिबिंब, यहाँ पर बन गया। ठीक है, वस्तु दूरी कहाँ है, ये है वस्तु दूरी। इस वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी। इसको वी से, यू से सूचित किया जाता है, और इस प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी। तो इस वस्तु दूरी यू और इस प्रतिबिंब दूरी v के ऋणात्मक मान जब हम माइनस लगाएंगे और तब हम उनमें भाग करेंगे, मतलब उसके अनुपात को हम क्या बोलेंगे, आवर्धन। अनुपात मतलब मैं बार बार बता रही हूँ आपको, भाग कर देना, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब दूरी में, प्रतिबिंब दूरी भी इसमें भाग लगा दीजिए वस्तु दूरी, और उसके पहले माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, और जो मान आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम ये समझते हैं कि किस तरह जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से कितना गुना दूर बनता है या फिर कितना गुना नजदीक बनता है। ठीक है, तो यहीं पर हम समझ लेते हैं। प्रतिबिंब दूरी मान लीजिए वी बराबर हम ले लेते हैं, प्रतिबिंब दूरी हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा, और वस्तु दूरी यू ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर -20 सेंटीमीटर होगा। क्यों माइनस होगा, क्यों मैं माइनस लगा रही हूँ, क्योंकि जो प्रतिबिंब दूरी है और वस्तु दूरी है ये ध्रुव के बाईं ओर रखी हुई है, इसीलिए जब हम इसको माप रहे हैं तो ध्रुव से बाईं ओर जाकर माप रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप मेरा इसका पहला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि हम वस्तु दूरी को कितना लिए हैं, -20 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब दूरी को क्या लिए हैं, -10 सेंटीमीटर। अब हमें ये जानना है कि ये जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पर ये वस्तु से कितना गुना दूर या नजदीक है, तो हम इस सूत्र की सहायता लेंगे। m बराबर क्या है, प्रतिबिंब दूरी माइनस देना है, और v कितना है हमारा, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी कितना लिए हम, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर माइनस का 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, बटा वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी हम कितना लिए हैं, u, माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर माइनस का 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो आप मैथ में ये सवाल सॉल्व किए होंगे कि ये माइनस माइनस कट जाता है, प्लस आ जाता है, तो m बराबर हो जाएगा -10/20, क्योंकि ये एक माइनस रह जाएगा ना, और जब इसको हल किया जाएगा तो -1/2 आएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से आधी दूर बन रहा है, और यहाँ पर साफ साफ तो दिख ही रहा है, ये इतना दूर वस्तु रखा है इसके आधे
आधे दूरी पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। और इस माइनस का अर्थ है कि वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ये देखिए उल्टा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, ये हो गया आपका आवर्धन कंप्लीट। कि पहला आपका परिभाषा क्या था कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। और दूसरा है परिभाषा कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के ऋणात्मक मान के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये आपको आवर्धन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ, इस टॉपिक के साथ साथ आपका ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल्स मैं जल्दी वीडियो उसका अपलोड करूंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।